टी-शर्ट दे दो बेटा, टी-शर्ट दे दे बेटा। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सुबह के बज चुके हैं वही 7:50। आज फिर से 7:50 हो गया यार, मतलब डेली लेट हो रहा हूं मैं। और पैर में जो दर्द था वो अभी भी बरकरार है, पता नहीं, वॉकिंग इतनी होती नहीं है, पूरा दिन ऑफिस का काम करना होता है। बट स्टिल जब मैं सो के उठता हूँ तो सुबह मेरे को नी हील में पेन होता है, नॉट नीज में पेन होता है, हील में पेन होता है मेरे को, पता नहीं क्यों होता है। तो मेरे को लग रहा है कि विटामिन डी की कमी है, पूरा दिन धूप नहीं मिलती है, बैठे रहते हैं कमरे में, काम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं। और दूसरा मेरे को मेरी मैट्रेस भी डाउट है, मैट्रेस काफ़ी सॉफ्ट फ्लफी हो गई है, सो जब लेटते हैं तो यू कैन से कि वो रीढ़ की हड्डी जो होती है आपकी प्रॉपर पोस्चर में नहीं होती है। तो हार्ड मैट्रेस की मैं सोच रहा हूँ, आई शुड परचेज ए हार्ड मैट्रेस सो दैट आई कैन गेट रिलीफ ऑफ दिस हील पेन। अगर आपको कुछ लगता है, कोई सोल्यूशन, कुछ समाधान पता है इस पेन का तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि भैया बहुत परेशानी होती है। जहाँ दर्द की बात होती है डॉक्टर अजल अपने आप आ जाती है। लेकिन ये एक डिसलाइक करता कौन हमारे व्लॉग शो, कोई है जान पहचान वाला? वो कहता ना घर का बेबी लंका ड्राई, घर का बेबी लंका ड्राई नहीं, एक वो बुरी नजर का टीका होता है ना वो लगा रहा, टिंग डिसलाइक। फिश है आज, पापा की छुट्टी नहीं है। इसको ऑफिस का नाम सुनते ही ऐसे हो जाते, मारना नहीं, गुस्सा नहीं करना, शांत, भीम, शांत, गुस्से को पालना सीख काशी, गुस्से को पालना सीख, शांत भीम शांत। क्या करूं इसका? गार्लिक इज वेरी हेल्दी, गार्लिक खा जाओ, हेल्दी होता है, हेल्दी तो होता है, लेकिन गार्लिक यार खाना नहीं, मेरे को नहीं, नहीं एक्सपेरिमेंट अच्छे नहीं लगते मेरे पे। मैं आपका क्या, आप मेरे को चबा जाओ, हबशी खाओ, आप काजू खाते हो, मेरे को गार्लिक देते हो, ये कौन सी, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो दोस्तों गार्लिक दिया गया है खाने को, लॉजिक ये है कि गार्लिक की जब ब्लड प्यूरिफायर आपकी नसें सही रहती हैं, ब्लड प्यूरिफाइड रहता है, कहीं पे क्लॉट नहीं बनते हैं, इसके लिए मेरे गार्लिक का टेस्ट जो इतना गंदा टेस्ट है यार इसका, गंदा टेस्ट जल के अंदर। टेस्ट गंदा क्या होता है, गार्लिक तो होता है तेज है। पानी दे दो। नहीं पानी अभी नहीं पीना, मैंने भी खाया इतना नहीं है यार। आपका बता दिया, आप आदमी खा जाते हो, आपका के साथ थोड़ी है, चलो हटो, पानी पीने दो। हाँ मम्मी पानी पी लेने दो, वेरी गुड, थैंक यू, सही है। पानी नहीं है मटके में, मटके में पानी तो रखो यार। तो दोस्तों ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, मैं जल्दी से नहा के आता हूँ, मैं जा रहा हूँ जल्दी से नहाने आज लू, ठीक है, क्योंकि आपकी वजह से सुबह आपने टी शर्ट नहीं दी, पापा ऑलरेडी लेट हो गए। चलो दौड़ के दौड़ के दौड़ के, कहाँ हैं कपड़े, कहाँ हैं, कहाँ हैं, अरे बीवी कपड़े कहाँ हैं मेरे, कपड़े कहाँ हैं मेरे, कपड़े कपड़े दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ ऑलरेडी। तो बीवियों के बिना अपना काम नहीं चलता दोस्तों, मतलब
जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मतलब मेरी बीवी के बिना मेरा काम नहीं चलता। बीवी आपका आप जाने, मच लग रहा है ना। ये पगड़ी में एक फोटो खिंचवाने का था अपने को, हो नहीं पाया आज तक। तो दोस्तों आई एम रेडी फॉर ऑफिस, बट अभी बज चुके हैं 8:28। आई एम ऑलरेडी लेट और फोन पे आ रहा है कैलेंडर में इट्स इंटरनेशनल नर्स डे टुडे। सो देश की दुनिया की सारी नर्सें जितनी भी हैं, नर्स बहनें जितनी भी हैं, सबको हैप्पी इंटरनेशनल नर्स डे। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पेंडेमिक में, बहुत ही लोगों की सहायता कर रहे हैं। यू आर एट द फ्रंट, फोर फ्रंट, एंड यू आर फाइटिंग विद दिस पेंडेमिक, सबका ख्याल रख रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ब्रेकफास्ट बन गया? नहीं, क्या बना रहे हैं आज? कुछ भी नहीं बना रहे ब्रेकफास्ट में। वो तो मना कर रही है अजलू, कह रहे कुछ नहीं बन रहा आज। अच्छा, खुद खा के चली गई। और मैंने पूछा मम्मा क्या बना रही है, कुछ नहीं बन रहा आज, बनाएगी लेकिन अभी नहीं बनाएगी। दे देना मेरे को अंदर। ओके, पनीर सैंडविच। तो दोस्तों मेरे दो सैंडविच आ चुके हैं, साथ में है अपना एज यूजुअल दूध। ठंडा तो देते यार दूध, इतना गर्म दूध कैसे पिया जाएगा। चलो मजा आ रहा है नहीं। तो फिर क्यों करवा रहे हो मालिश में? आपके बाल बहुत अच्छे हैं अजलू, बनवा लो चोटी। अरे कल टूटू चोटी बनाई थी, बहुत अच्छी लग रहे थे आप। बाल बड़े तो कटिंग करवाओ पापा से मशीन में। नहीं तो फिर चुप चुप बाल कॉम करवा लो। चोटी में बनाओगे तो बालों में कीड़े लग जाते हैं। कटिंग करवा लेना फिर। कटिंग करवा लो फिर। नहीं ये भी क्या, हर बात पे खुद का थोड़ी ना होता है। नहीं निकालूंगी की क्लिप से बाल टूटते हैं, छोटी करवा। हीरो ही नहीं है पूरे मजे ले रही है। अजल फुल मजे लेते हो आप जिंदगी के, है ना। बचपन यही तो होता है। क्या ले आए बेटा? मम्मा के हेडेक हो रहा है ना, मेरा बच्चा दर्द कर रहा है। और मेरा खाना कहाँ है? आपने खाया नहीं? तो मैंने खाया नहीं है तो, लेकिन खाऊंगा तो सही। लेके आते लेके आते नहीं 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 क्या हो गया? हेडेक हो रहा है, दोबारा दवा लेना है। हेडेक इसको तो बस नाम लेना होता है कि कोई बीमार है तो डॉक्टर तक बनी हुई है। डॉक्टर अजल क्या दोगे, क्या हुआ मम्मा को? सर दर्द हो गया। डॉक्टर अजल आ गई, अब ठीक हो जाओगी। ठीक है चलो, टेक रेस्ट, मैं लंच कर लेता हूँ अपना। तो दोस्तों बज चुके हैं 2:45 और लंच नहीं हुआ है अभी तक। स्वीटी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, हेडेक है। सो अजल और स्वीटी जा चुके हैं टेस्ट करने और मुझे डालना है मेरा लंच। लंच में क्या बना है आज देखें जरा। कभी कभी ऑफिस का काम करते करते ना इतना लेट हो जाते हैं लंच करने के लिए, कोई फिक्स टाइम नहीं होता है खाने का। कभी 3 बज जाते हैं, कभी 4 बज जाते हैं, कुछ नहीं। कभी कभी तो स्किप भी करना पड़ जाता है लंच। एटलीस्ट घर पे हैं तब तो ये है कि चलो वाइफ है पुश करने के लिए कि भाई खाना खा लो। वरना ऑफिस में होते थे तब तो काफी बार ऑफिस में से लंच वापस ही आता था। चलो आज अकेले ही खाना पड़ेगा। आ रहा हूँ तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 7, मेरा ऑफिस हो चुका है ओवर, बहुत काम था, थक गए। अजलू चाय पिला दो यार, मम्मा के सर में दर्द कैसा है? हाँ जल्दी आऊँगा। तो दोस्तों मुझे अभी याद आया कि मेरी गाड़ी जो है बाहर खड़ी है और जिस तरह का तूफान अभी आ रहे हैं
तो मुझे उसको नीचे पार्किंग में, अंडरग्राउंड पार्किंग में पार्क कर देना चाहिए। सो मास्क लगा लिया है, सैनिटाइजर ले लिया है फॉर द सेफ्टी पर्पज। सिर्फ गाड़ी को ओपन पार्किंग से पिक करके और बेसमेंट पार्किंग में लगाना है। तूफान की वजह से गाड़ी पर काफ़ी सारी डस्ट जमा हो गई होगी, देखते हैं क्या हाल है। तो दोस्तों गाड़ी पे काफ़ी धूल जमी हुई है, जैसा कि उम्मीद थी। पूरा विंडशील्ड गंदा हो रखा है। मैं इसको नीचे पार्क करके आता हूँ। आई गेस पीछे वाले टायर भी मुझे फ्लैट लग रहे हैं, पंक्चर हो गए। देखेंगे लॉकडाउन के बाद ही सही हो गया अब तो ये, क्योंकि गाड़ी काफ़ी दिन से बाहर धूप में खड़ी थी। तो आई गेस टायर की हवा निकल गई और टायर फ्लैट हो गया। सो देखेंगे, टाइम मिलेगा तब पंक्चर लगवाएंगे। अभी तो इसको सेफली अंडरग्राउंड पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, फिर निकालेंगे जब लॉकडाउन खुल जाएगा। अभी तो कहीं जा भी नहीं रहे हैं, घर पे बैठे हैं पूरा दिन। लो जी पार्किंग आ गई साड़ी। आप आ गए अंडरग्राउंड -1, लेट्स गो। बाहर इधर इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं किसने क्या बनाया भाई साहब। मेरे मास्क के अंदर से मेरे को इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आई, किसी ने असल में बहुत टेस्टी चीज बनाई है। हलवा टाइप कोई बुलाता नहीं, चले कैसे जाते। असल आपको बुलाए हैं, आपको भी नहीं बुलाया ना। चलो डांस करते हैं। अरे कहाँ पे है, मिल नहीं रहा मुझे, दिख नहीं रहा, कहाँ छुपा है? अजलू, अरे कहाँ से आवाज आ रही है? अरे ये पूजाधारी अजलू क्या कर रहा है? चलती जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हो? लेकिन इसमें मजा क्या आ रहा है आपको? स्विमिंग है ये, मजा ही आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको पार्क की याद आती है अजलू? झूले मिस करते हो हैं, दोस्तों को मिस करते हो आप। तो ये ड्रैगन को क्यों? क्या हूँ? अच्छा मैं दोस्त हूँ आपका? थैंक यू अजलू, आई एम योर फ्रेंड। हेलो हेलो, आई एम योर फ्रेंड। अजलू आप पहले आ गए? हाँ। क्या हेलो, तो पहले आ तो आप तो सोने जा रहे थे। चलो, अरे दोस्तों ये लैपटॉप में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे भाई ऐसे मत कर, ब्लॉग की एडिटिंग करनी है मेरे को। भगवान क्या हो गया, क्या हो गया भाई, सही रहे। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10,
पंखी की आवाज कर सकते कम। तो दोस्तों रात के बज चुके हैं 10 और मैं आ चुका हूँ अपने व्लॉग की एडिटिंग करने। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल अज़ल विकास व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बैंड बजी हुई है थोड़ी सी, आज स्वीटी की तबीयत खराब हो गई तो उस चक्कर में कुछ थकान वैसे थी, कुछ थकान वैसे हो गई। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में जल्दी। टिल देन स्टे सेफ स्टे।